लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि हम कहां तक एक्सप्लोर कर चुके थे सांभर को, और अभी सुशील हमारे साथ है दूसरे वीडियो में भी। और एक्चुअल में ये एक ही दिन शूट हुआ है, लेकिन आपको दो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि यार बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैंने इसके दो पार्ट रख दिए हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में शाकंभरी माता के मंदिर में, और वहीं पर उड़ाएंगे अपना ड्रोन। तो मैं यात्री सुशील आप सभी का स्वागत करता हूँ सांभर के एक और नए वीडियो में। आगे पहाड़ में जाके माता जी का मंदिर है, और वहाँ पे ज़बरदस्त व्यू होने वाला है, ज़बरदस्त। वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, शायद गोप्रो में नज़र नहीं आ रही होगी, आंखों से मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा माउंटेन है। तो वहाँ पे माता जी का मंदिर है, और ऐसा ही कुछ नज़ारा और देखने को मिलेगा जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अभी तक बस आ गया, थोड़ा पास में ही है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे पैदल परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा चलन है राजस्थान के अंदर, और विशेष तौर से जयपुर ज़िले के आसपास के एरिया में पैदल परिक्रमा बहुत लोग करते हैं। और अभी कोरोना की वजह से इस साल कुछ भी नहीं हो पाई, वरना बहुत ही ज़बरदस्त परिक्रमाएँ होती है पैदल परिक्रमा। जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ पर लोग पैदल पैदल जाया करते हैं, और उसमें होता क्या है, जैसे कोई आदमी थक जाता है या बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लोग यात्राएं करते हैं पैदल। और उसमें क्या होता है, कोई आदमी जैसे थक जाता है तो बड़े बूढ़े उससे कहा करते हैं कि बिल्कुल, अरे बेटा वो आगे सामने ही है, अरे बेटा वो आगे बिल्कुल पास ही है, अब तो थोड़ी दूरी बचा है बस चलने को। तो इस तरीके से मोटिवेट कर करके उसको पैदल ले जाया करते थे, और मैंने खुद ने फील किया है। एक बार मैं गणेश जी के रणथंभौर गया था वहाँ पर पैदल, तो वहाँ पे क्या करीब 6-7 किलोमीटर पहले रोक दिया करते हैं, आगे व्हीकल जाने की अनुमति नहीं होती है। तो वहाँ पे जिससे भी पूछे हम लोग, तो वो बोले बस आ गया, बस आ गया। तो इस तरीके के वहाँ पे लोगों के कमेंट होते हैं। और ये व्यू देखे यार, ज़बरदस्त। और वो बाबा लोग जो है ना, बड़े बूढ़े, वो ऐसे कर करके पहुँचा देते हैं भगवान के चरणों तक, और दर्शन हो जाते हैं बड़े आराम से। और ये देखिए, बहुत ही खतरनाक व्यू, और वो सामने पहाड़ी में दिखता है शायद मंदिर। रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी चलते चलते अचानक क्या हुआ, सुशील ने बोला कि यार इधर से ऑफ रोड से चलते हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना सामने, इसको बोलते हैं रण। बोले रण में होके चलेंगे, शॉर्टकट भी पड़ेगा, सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी पहुँच के देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो इधर शॉर्टकट से निकलते हैं, वैसे बहुत राउंड लगा के आना पड़ता रोड से, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, और कुछ रण के मज़े भी राइड के। तो मज़े लीजिए व्यूज़ के। थोड़ा फिसलने का डर तो लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ओए 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 ओए, पर कोई बात नहीं, खींचते हैं अभी, खींचते हैं अभी, पहुँच जाएंगे। देखिए थोड़ा करीब पहुँचेंगे तो आपको मंदिर दिखेगा, मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ से, वो पहाड़ी के नीचे जस्ट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ओहो हो, ये इधर से फोर व्हीलर भी निकल जाते हैं। उई 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 अब यहाँ पे अगर एकदम से क्लच छोड़ दिया ना, तो गाड़ी अनबैलेंस होके गिर जाएगी नीचे, मिट्टी सूख चुकी है ना, इस वजह से थोड़ा सा अगर नमी रहती तो ये बाइक के टायर इसमें घुसते नहीं मिट्टी में। क्या बात है यार, ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू, क्या बात है। अभी यहाँ से अगर ड्रोन उड़ाया जाए और व्यू आए तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो सामने सुशील रुक चुका है, तो यहीं पे एक बार ड्रोन उड़ा ही देते हैं आपके लिए। वो गिर गया गिर गया या बैठ गया। वाओ 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 वाओ, दीपक भैया कैसा लग रहा है? हाँ, हवा चल रही है, और थोड़ा सा रॉन्ग वे जाते हैं ये। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाओ यार, ओए 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 ओए, चलो इसको यहाँ से निकालते हैं। व्यू देखिए यार एक बार, जबरदस्त यार।
आपको किसी भी यूट्यूबर ने आज तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं होगा सांभर का। ये देखिए गजब यार गजब, ओ माय गॉड, दूर दूर तक बस ये सफेद समंदर दिखाई दे रहा है आपको। नमक की झील है ये सांभर की, ये देखिए, वाह यार मजा आ गया। चलो यहीं से ड्रोन उड़ाते हैं अब, क्योंकि इससे अच्छी लोकेशन नहीं होगी कहीं भी। तो दोस्तों अभी बहुत सारी फोटोज हमने यहाँ पे क्लिक करी और क्या जबरदस्त व्यू है यार। तो फोटोज को देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी, और व्यू का मजा लीजिए। सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है शाकंभरी माता का मंदिर, तो वहीं पहुंचकर रुकते हैं। और ड्रोन में नहीं उड़ा पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, तो ड्रोन उड़ ही नहीं पाता। अपना 249 ग्राम का है ना बच्चा, तो वो उड़ नहीं पाता यहाँ पे, इसलिए अभी ड्रोन उड़ाना यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। वहीं पे देखते हैं जाके, वहाँ पे झील भी है तो और भी ज़बरदस्त व्यू आएगा। और अगर आते टाइम यहाँ पे मौका मिल गया, हवा नहीं चल रही होगी, तो यहाँ पे आते टाइम ड्रोन भी उड़ा देंगे। हवा बहुत ही मस्त चल रही है, बिल्कुल अभी टेम्परेचर जो है यहाँ पे दिखा रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है और बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है अभी यहाँ पे। एकदम मस्त चल रही है अपनी बाइक इस झील के अंदर, झील नहीं सॉरी रण बोलेंगे इसको, रण। एक गुजरात में भी ऐसी जगह है रण करके, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नज़ारे हैं, कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। और पीछे जो धूल उड़ रही है ना, वो इसमें देखिए मिरर में आपको नज़र आ रही होगी, क्या बात है, ये देखिए इस मिरर में नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है। वहाँ पर शायद कोई फोटो शूट चल रहा है, वहाँ आगे भी चल रहा है, और वहाँ से एक ओवरलोड कार आ रही है, शायद आपको गोप्रो में नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ऊपर नीचे सभी जगह लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल पास आ गई अब तो। गाँव में ऐसे ही है ठाक लोगों के, और बिल्कुल मंदिर आ चुका है, पास में ही है। चलो जी पहुंच चुके हैं शाकंभरी माता के मंदिर, और अब यार हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे दूसरे कैमरे पे। तो आप लोगों ने देखा ही, ये कल्प वृक्ष है और इसके ऊपर धागा बांधने से कहते हैं कि लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, और माता जी के दर्शन मैंने आपको करा लिए। वैसे यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके और एक छोटी सी क्लिप मैंने निकाल ली। और दोस्तों माता जी के मंदिर के जस्ट पीछे ये सीढ़ियाँ जा रही है, ऊपर से बहुत ही जबरदस्त व्यू होने वाला है, तो ऊपर चलते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको ऊपर से क्या व्यू है। ये है जन्नत,
देखना रेजा था अपना, और ये रेजा था ना कुछ भी नहीं देगा। सांस फूल रही है, बहुत सारी सीटियाँ हैं। जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। अगर यहाँ तक नहीं आते ना अभी, और अभी निकलने को थे हम लोग, लेकिन अचानक सुशील ने बोला यार ऊपर से चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त व्यू आएगा। तो यार थैंक यू सुशील जो यहाँ तक लेके आया भाई, और व्यू है ना, मन प्रसन्न हो गया, आत्मा प्रसन्न हो गई भाई। तो आप लोग देखना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कैसा लगा ऊपर से व्यू? और अभी हम नीचे जा रहे हैं और निकल रहे हैं फिर, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, देखते रहो। दोस्तों अभी शाम होने वाली है, और वहाँ पे रण में गोप्रो से शूट करते करते बैटरी डाउन हो गई थी, तो हमने चार्ज पे लगाया और सीधे निकल के सांभर पहुँच चुके हैं। और अभी ये देख रहे हो आप आसपास, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे नमक बनता है एक्चुअल में। तो सुशील भाई कैसे बनता है बताओ जरा। ये बारिश का पानी है, बारिश होता है इसमें, तो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। फिर ये जैसे जैसे सूखता जाता है तो इसका कलर भी पहले ब्लू, फिर ब्लैक, और ब्लैक के बाद में ये रेड होता हुआ पिंक, अब दिखाई दे रहा है पिंक, फिर वाइट होता हुआ, फिर ये सूखता है। ये पानी भरता है और इसका कलर जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है तो इसका कलर चेंज होता रहता है, कभी ब्लू रहता है, कभी ब्लैक हो जाता है, कभी पिंक रह जाता है। तो ऐसे होते होते और फिर ये फाइनली ये इस तरीके से नमक बन जाता है इसका। कहाँ चलना है आगे, कहाँ पे? हाँ ये नमक जब कंप्लीट बन जाता है तो ये ट्रेन के जो डब्बे हैं, ये देखिए ट्रैक है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ट्रैक है, इनमें ट्रेन चलती है। अभी खैर पत्थर लगा रखे हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा, वो पीके फिल्म में जो यूज किए थे वो वहाँ पे खड़े हैं। हाँ इनमें नमक भर के और यहाँ से वहाँ ले जाने का काम होता है। चलते हैं, अभी थोड़ा आगे और चलना है, तो फिर देखते हैं अभी सुशील कहाँ कहाँ लेके जाएगा। और ये सनसेट का खूबसूरत दृश्य देखिए, पहले आप गोप्रो की नज़र से देखिए और फिर इस कैमरे की नज़र से देखिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, मन प्रसन्न हो गया आज तो। मन तो ऐसा कर रहा है कि यहाँ पे दो चार दिन रुक जाऊँ और ऐसे ब्यूटीफुल व्यू का मज़ा लेता रहूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं तो उसके लिए वापस जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी एक फाइनल डेस्टिनेशन अपना बाकी है, देवयानी, तो वहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलो ब्यूटी, बाय बाय। चले अब सांभर, यार बहुत पुराना गांव लगता है और बहुत ही हेरिटेज टाइप की यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो देखिए अंदर से अभी निकलेंगे हम लोग। हे मुर्गी मुर्गी मुर्गी, ये देखिए ये बहुत पुराने मकान है। श्री तपस्वी जी आश्रम, आदि अनंत तपो भूमि, जय बाबा जागेश्वर नाथ की, जागेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे। तो बाबा के दर्शन करना बनता है, लोग केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम जागेश्वर बाबा के दर्शन करेंगे और आपको काशी भी लेके चलूँगा कुछ दिनों बाद में। अभी तो जागेश्वर बाबा के दर्शन करते हैं।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देवयानी। ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पे कुंड है जिसका व्यू मैं आपको अभी दिखा दूंगा, और यहाँ पे मंदिर भी है भोलेनाथ का, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लीजिएगा। और सांभर से 1 किलोमीटर ही है, आप आ सकते हो आराम से। बहुत ही पुराने यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं, ये देख रहे हो पीछे आप, और शानदार जगह है। मतलब अगर आप सांभर आ रहे हो तो ये जगह पे आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये सत्यनारायण जी का मंदिर है और शीश महल इस पर लिखा हुआ है, तो चल के आते हैं एक बार, आइए दिखाता हूँ आपको। वाह यार, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन थोड़ी सी बेकदरी हो रही है, होप कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। चलो आपको यहाँ का जो कुंड है, सरोवर है देवयानी का, उसका व्यू दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जयपुर। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, मेहनत कर रहा हूँ यार मैं। पुराने टाइप के मंदिर बने हुए काफ़ी सारे, मकान भी काफ़ी पुराने पुराने यहाँ पे, रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपको दिखा था। बहुत ही शानदार जगह, आज का दिन सार्थक हो गया अपना, और मज़ा भी बहुत आया। आप देखो बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखो, अब ये चिड़िया है या चमगादड़ है, कुछ चिड़िया ही लग रही है यार, ये चमगादड़ तो नहीं है ना। यहाँ पे कुछ घोंसला बना रखा है, उड़ के जा रही है, वापस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, तो इनको देख के बजा रहा है। और इस छोटे से सरोवर के अंदर बहुत सारे कमल के पुष्प खिलते हैं, हमारा दुर्भाग्य कि वो हमको देखने को नहीं मिले अभी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। जय बजरंगबली। और यहाँ पे वराह भगवान का भी मंदिर है। वराह भगवान किसको कहते हैं आप जानते हैं? वराह भगवान वो है जो इस सारी पृथ्वी को अपनी पीठ पे रख के और नीचे पाताल लोक में बैठे हुए हैं, तो उनका मंदिर भी वहाँ पे है, छोटा सा है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वराह भगवान जिन्होंने सारी पृथ्वी को झेल रखा है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर आप सारे तीर्थ करते हो और अगर देवयानी नहीं आते हो तो आपका व्यर्थ है सब कुछ करना, तो देवयानी जरूर आइएगा। दीपक भैया ने हेलमेट परमानेंट लगा रखा है। सुशील बोल रहे हैं कि अभी और भी कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, तो चलते चलते देख चलते हैं यार, क्योंकि वैसे रात होने वाली है, तो अपन लोगों को भी जयपुर पहुँचने का है वापस। दीपक भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो दिखाई नहीं लोगों को, इसको दिखाओ, इसका व्यू होना चाहिए लास्ट टाइम का। हाँ ये देखो, शाम हो चुकी है और जब जीवन अस्त हो जाता है ना किसी भी व्यक्ति का, तो वो यहीं पे आता है, तो ये है सांभर का शमशान घाट। अब चाय पीते हैं, और थैंक यू भाई सुशील भाई, आपने बहुत घुमाया हमको यार, आज बहुत ही मजा आया तेरे के सब। और क्या नाम है राजेंद्र, तेरा नाम चेंज कर अपना भाई। तेरा नाम राहुल रख, राहुल। राहुल ठीक नहीं है क्या? अरे राहुल ही तो सबसे फेमस है यार दुनिया में। चल पर तू और कुछ रख ले, तेरे तो वैसे भी शादी हो गई यार। चाय मेरे को लगता है यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी चाय। भैया चाय बना दो फटाफट यार, बढ़िया बनाना बढ़िया। चलो थैंक यू भाई सुशील, चलो राहुल। और अभी मोमोज वगैरह खा लिए, चाय वाय पी ली, और अब चलते भैया ना। ओके मिलते हैं फिर, आना फिर जयपुर ना।
ठीक है सुशील भाई। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ, 76 किलोमीटर अभी बाकी है जयपुर पहुँचने में। तो अभी ये पेट्रोल पंप पे रुके थे, थोड़ा सा दीपक भाई को कुछ लघु शंका आ गई थी, तो मैंने कहा कि कर लो लघु शंका को, तुरंत करो आप, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो हो गए फ्री दीपक भैया, तो अपन भी आज के इस वीडियो से फ्री हो चुके हैं और हम लोग 76 किलोमीटर का सफ़र तय करके जयपुर को पहुँचेंगे। और आगे आने वाले हैं मेरी राइड से रिलेटेड नहीं होंगे वीडियो, मैं वाराणसी जा रहा हूँ ट्रेन से, 6 पर्सन्स और मेरे साथ में है, मतलब टोटल 6 पर्सन्स है। और वाराणसी काशी विश्वनाथ के भगवान के दर्शन करने के लिए हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा, कुछ दिनों में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग निकल रहे हैं अभी जयपुर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया और रात को थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है। तो अभी ये मेरी जो जैकेट है इसके अंदर छेद है बहुत सारे, तो इसमें से हवा जाएगी ना ठंडी ठंडी, तो मेरे प्राण निकलेंगे प्राण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।